press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ट्राई स्पीड टेस्ट अगस्त 2018 के नतीजे आ चुके हैं। डाउनलोड स्पीड की बात करें तो रिलायंस जियो टॉप पर है, जिसकी एवरेज डाउनलोड स्पीड 22.3 Mbps की है, जबकि भारतीय एयरटेल दूसरे नंबर पर, जिसकी एवरेज डाउनलोड स्पीड 10 Mbps की है। वहीं वोडाफोन तीसरे नंबर पर, जिसके अगस्त 2018 में ट्राई स्पीड टेस्ट के अनुसार 6.7 Mbps की है। वहीं आइडिया 4G की डाउनलोड स्पीड 6.2 Mbps की है। वहीं अपलोड स्पीड की बात करी जाए तो आइडिया सेलुलर टॉप पर, जिसकी एवरेज अपलोड स्पीड 5.9 Mbps की है। वहीं अपलोड स्पीड में वोडाफोन दूसरे नंबर पर, जिसकी एवरेज अपलोड स्पीड 5.1 Mbps की है। वहीं रिलायंस जियो अपलोड स्पीड में तीसरे नंबर पर, जिसकी एवरेज अपलोड स्पीड 4.9 Mbps की है। वहीं एयरटेल की एवरेज अपलोड स्पीड चौथे नंबर पर 4.7 Mbps की है। जानकारी के लिए बता दें कि यह एवरेज डाउनलोड और अपलोड स्पीड हर महीने ट्राई द्वारा भारत की टॉप 4 दूरसंचार कंपनी एयरटेल, जियो, आइडिया एंड वोडाफोन की ली जाती है, जिसकी रिपोर्ट अगस्त 2018 की आ चुकी है। अब हम अभी तक ट्राई द्वारा एवरेज डाउनलोड और अपलोड स्पीड की चर्चा करेंगे। अभी तक हुई डाउनलोड स्पीड में जियो पहले नंबर पर एक एवरेज के साथ 18.8 Mbps पर है। वहीं एयरटेल दूसरे नंबर पर 9.4 Mbps के साथ है। वहीं वोडाफोन तीसरे नंबर पर 6.9 Mbps के साथ है। आइडिया डाउनलोड स्पीड में चौथे नंबर पर 6.7 Mbps के साथ है। वहीं अपलोड स्पीड की बात करें तो अभी तक हुई टोटल स्पीड टेस्ट में एवरेज अपलोड स्पीड में आइडिया पहले नंबर पर 6.3 Mbps के साथ है। वहीं वोडाफोन दूसरे नंबर पर 5.2 Mbps के साथ है। जियो तीसरे नंबर पर 4.6 Mbps के साथ है। और सबसे अंतिम में अपलोड स्पीड में एयरटेल चौथे नंबर पर 3.9 Mbps के साथ। इसी तरह सितंबर की ट्राई स्पीड टेस्ट रिपोर्ट आते ही हम आपको अपडेट करेंगे। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.